तो भाई छोटों को हेलो, बड़ों को सलाम, सभी दर्शकों को अपनी राम राम। तो यार नई वीडियो में आप सबका स्वागत है। तो जैसा कि आप सबको पता है कि अभी फ्लिपकार्ट की और अमेजोन की दोनों की सेल चल रही है। मैं अपने मोबाइल वगैरह इसी सेल के दौरान ही परचेज करता हूँ, तो काफ़ी अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाता है। तो आज आपको दिखाऊंगा कि मेरे को भाई ये मोबाइल कितने का पड़ा और इसमें क्या कुछ मटेरियल आता है, क्या कुछ आइटम्स आते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये मोबाइल मैंने 2 अक्टूबर को 12 बजे के करीब ऑर्डर किया था और उसी टाइम सेल स्टार्ट हो गई थी। तो मतलब मैंने ये मोबाइल गांधी जी के बर्थडे वाले दिन ही परचेज किया है। तो यार मेरे को ये एक दिन के अंदर ही डिलीवर हो गया। मतलब आज 3 है जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो आज मेरे को ये मोबाइल डिलीवर हो गया। तो ये काफी अच्छी सर्विस रही है अमेजोन की तरफ से। तो अभी चलिए इसको अनबॉक्स करते हैं। तो ये अपना कुछ पैक है, इस पैक को ओपन करते हैं। तो वाह भाई, तो ये कुछ अमेजोन का पैक आया है, तो इसके अंदर ही अपना मोबाइल होने वाला है। तो यार इसको ओपन करते हैं। अरे ये तो ओपन ही लग रहा है, ये पहले से ही ओपन सा आया, इसकी टेप वगैरह उतारनी कोई नीड ही नहीं है। वाह भाई वाह, ओए होए 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 होए, सैमसंग गैलेक्सी M52। ये मोबाइल मैंने सुना है कि काफ़ी स्लिम है और इसका बॉक्स भी काफ़ी स्लिम है, आप देख सकते हो। तो भाई ये मोबाइल हमने लॉन्च होते ही भाई पहले दिन ऑर्डर किया है, शायद गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भाई अपना नाम आ ही जाए। अभी इसको ओपन वगैरह करते हैं। तो भाई इसका प्राइस वैसे इस बॉक्स पे लिखा हुआ है 3499, पर ये मेरे को पड़ा 24250, मतलब 24,250 रुपये का। तो यार काफ़ी अच्छी डील थी और ये शायद सेल के बाद महंगा हो जाएगा, तो आप भी अभी इसे बाय कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। तो चलिए अभी इसे खोल लेते हैं। नया मोबाइल अनबॉक्स करने का तो मज़ा ही अलग है, पर यार मेरे से अनबॉक्स हो भी नहीं रहा। लो भाई, जिस चीज़ का हमें बेसब्री से इंतज़ार था वो हो नहीं पा रही। एक मिनट को, इसकी टेप ढंग से निकल नहीं रही। अरे यार नाखून कल ही काट लिए यार, ये गलती की मैंने, शायद एक दिन तक बचा लेता। टाडा। तो ये है भाई अपना ब्रांड न्यू मोबाइल सैमसंग गैलेक्सी M52। अरे ये रख देते हैं साइड में। तो यार ये रहा अपना मोबाइल। यार स्लिम तो वैसे काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रहा है, आप देख सकते हो यार बहुत ही कम थिकनेस है इसकी। अभी भाई जिस चीज़ में सबको मजा आता है वो करने की बारी आ गई। ओहो हो, वाह भाई ये साउंड है, वाह भाई क्या बात है। तो यार काफ़ी हल्का है बिल्कुल, और मैंने ब्लैक कलर में ऑर्डर किया है, काफ़ी अच्छा लग रहा है, ब्लैक ब्यूटी। अब इसके पहले बॉक्स में दिखा देता हूँ आपको, बॉक्स में क्या कुछ कंटेंट है। तो ये है अपनी केबल और यहाँ पे है चार्जर। ये देखता हूँ भाई कितने वोट का दिया है अब की बार। तो ये बॉक्स में हमें 15 वोट का चार्जर मिला है। कोई नहीं, हो जाएगा चार्ज यार, थोड़ी देर में हम कहाँ भागे जा रहे हैं। तो यार ये रख देते हैं और अब आते हैं मोबाइल की तरफ। पहले देखता हूँ भाई 3.5 mm ऑडियो जैक, बस वही नहीं दिखाई दे रहा, वो तो मेरे को पक्का सही चाहिए था। बट कोई नहीं यार, अभी के लिए रहने देते हैं। तो साला ये दुख का ख़त्म नहीं होता बे। पर मोबाइल का लुक वगैरह काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, आप देखिए यार कितना अच्छा दिखाई दे रहा है। ये नीचे अपना स्पीकर हो गया, ये चार्जिंग के लिए, और ये माइक है, तो बहुत सही है वैसे दिखने में। तो चलिए दोस्तों अब इसको ऑन कर लिया जाए, क्या बात है। सैमसंग गैलेक्सी स्क्रीन बाय नॉक्स सिक्योरिटी है इसमें, पावर्ड बाय एंड्रॉयड। तो ये स्टार्ट हो रहा है, वेलकम। तो यहाँ पे मैं इसको करता हूँ स्टार्ट, तो भी मैं इसको एक बार सेटअप कर लेता हूँ, तो उसके बाद हम आपसे मिलते हैं। इसका वैसे टच वगैरह काफ़ी अच्छा काम कर रहा है, वाह यार देखो कितना अच्छा दिखाई दे रहा है वैसे। और मैं इसका टच वगैरह दिखा देता हूँ आपको, देखो यार काफ़ी सही चल रहा है टच वगैरह, ये 120 हर्ट्ज पे अभी शायद। तो यार 2021 में हम भी 5G वाले हो चुके हैं, तो जब भी 5G वगैरह आएगा तो हम अपने मोबाइल में इसका आनंद ले पाएंगे। तो डार्क थीम भी है, मैं वैसे डार्क ही रखूँगा ज़्यादा टाइम, तो मुझे ज़्यादा ये डार्क वाली पसंद आती है। चलो यार अभी इसका कैमरा वगैरह टेस्ट कर लेते हैं थोड़ा, तो कैमरा सैंपल्स आप देखिए।
तो यार आपने कैमरा सैंपल्स वगैरह देखे तो आप बताना कि आपको कैसे क्या लगे। तो यार ये मोबाइल मुझे तो काफ़ी सही पसंद आया वैसे, तो आप लोग भी जो भी बाय करना चाहते हो तो आप भी इसकी तरफ जा सकते हैं। यार लुक वगैरह के मामले में तो मैं कहूँगा मेरे को तो सही लग रहा है, आप देख सकते हो ऐसे भी। और ब्लैक कलर ही मंगाना है वैसे, ब्लैक कलर ही काफ़ी शानदार दिखाई दे रहा है। ये वो होता है ना जैसे कुड़ियों का ब्रेड पिट, ये भाई मोबाइलों का ब्रेड पिट है। तो इसका प्राइस मुझे पड़ा 24,250 रुपये। मेरे को मतलब मेनली बैटरी चाहिए थी, तो बैटरी इसमें 5000 है तो बहुत सही है वो बैटरी। तो पहले मेरे पास वो वीवो का मोबाइल था, वीवो Z1X, उसी में मैं अपनी सिम वगैरह डालता हूँ। और कैमरा के लिए मैंने आईफोन 11 ले रखा है। तो मैं एक दिन गुड़गांव गया था तो आते टाइम में उसकी बैटरी बिल्कुल ही डाउन होगी वीवो Z1X की, तो इसी वजह से मैंने ये परचेज किया है। तो अभी देखता हूँ इसकी बैटरी कैसी क्या चलती है। तो यार अभी ये मोबाइल अपना हुआ, तो यार सैमसंग की डिस्प्ले वगैरह मेरे को काफ़ी अच्छी लगी, तो इसमें देखते हैं कि एक्सपीरियंस वगैरह मेरा कैसा क्या रहता है। पीछे मतलब प्लास्टिक है तो आप भी कवर वगैरह लगा के रखना, वो काफ़ी सही रहेगा, तो इसको प्रोटेक्ट करेगा, वो काफ़ी सही चीज़ रहेगी आपके लिए भी। तो मैंने ऑर्डर किया है 6GB 128GB, तो ये वाला अपना मोबाइल है। तो यार इस मोबाइल में स्नैपड्रैगन 778 प्रोसेसर है जो कि बैटरी एफिशिएंट है काफ़ी। तो इसकी बैटरी है 5000 mAh, एक दिन निकाल दे बस, हमें और क्या ही चाहिए। तो यार ठीक है, वैसे बैटरी कैपेसिटी वगैरह भी काफ़ी सही है इस रेंज में। जितने भी मोबाइल हैं इसको कोई भी मोबाइल उनमें से टक्कर नहीं दे सकता भाई। मैं इसी चीज़ को प्रेफरेंस देता हूँ कि बैटरी ज़्यादा हो, चार्जर कैपेसिटी चाहे कम हो, क्योंकि बहुत मोबाइल ऐसे रहते हैं 4000 mAh और चार्जर रहेगा 65 वॉट। अगर बाहर जाते हैं तो भाई इसको कहाँ चार्ज करते फिरोगे, किसी के घर में जाके लगा नहीं सकते, कहीं और आपको स्लॉट मिलेगा नहीं, तो भाई ऐसे आपका मोबाइल बंद। तो इससे बढ़िया तो ज़्यादा बैटरी वाला मोबाइल लो। तो ये मोबाइल मेरे को सही लगा, स्लिम तो काफ़ी ज़्यादा आप देख सकते हो, बिल्कुल काफ़ी स्लिम है ये किसी गुफा में से भी आराम से निकल जाएगा। तो यार दोस्तों इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसको लाइक करें, शेयर करें, इस पर एक अच्छा सा कमेंट करें, और ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए सफर विद सैम को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।